नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि जो गमला बनाए गए थे उसको आप अपडेट करवाओ, तो आज मैंने यही सोचा है कि चलो मैं अपडेट आपसे करवा देती हूँ। तो ये बड़ी वाली तौलिए की मैंने जो गमले आपसे शेयर किए थे वही है, इसको थोड़े से मैंने अंदर से कलर कर दिए हैं, बाहर से अभी कलर नहीं की हूँ, बाद में बाहर से भी इसको कलर कर दूँगी। तो इस तरह के ये बन गए हैं, थोड़ा भींगे भी हुए हैं क्योंकि सीमेंट वाले चीज़ में बार बार पानी देते रहने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ये बनकर रेडी हो गया है। अभी इसी में दोस्तों, ये छोटी वाली एक मेरे पास तौलिया थी, उसकी मैंने बनाई थी, इसको शायद मैंने वीडियो नहीं शेयर की है आपसे। ये छोटी वाली को भी बनाकर ये भी रेडी हो गई है। और मेरे घर में स्थिति ये हो गई है कि जो बच्चे बिछावन पर तौलिया रखते थे वो अब डर के मारे अपना तौलिया संभाल के रखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तौलिया प्लांटर बन जाए। तो एक दूसरी वाली हो गई दोस्तों, ये जो एक बनाकर आपसे मैंने इसकी वीडियो शेयर की थी नन्ही सी छोटी सी, इसको भी मैंने बना ली है। अभी कलर नहीं किए हैं, कलर करके भी मैं जब प्लांट लगाऊंगी उस समय कलर करके मैं आपसे शेयर कर दूंगी। ड्रेनेज होल आपको दिखाई दे रही होगी, ड्रेनेज होल इसमें इस तरह के हैं। दोस्तों, और एक ये मैंने आपसे शेयर नहीं की थी, एक बड़ी वाली तौलिया मेरे ये सॉरी चादर थी, बेडशीट थी, उसकी मैंने ये प्लांटर बनाई है, जो बहुत सारे इसमें नन्हे नन्हे प्लांट लगाने के मेरे विचार में है, इसमें बहुत सारे नन्हे नन्हे प्लांट इसमें मैं लगा दूँगी। इसको भी अंदर से कलर कर ली हूँ, लेकिन बाहर अभी मुझे जो पेंट करने हैं वो मार्केट में मिले नहीं, तो उसको ला कर मैं फिर आपसे शेयर कर दूँगी। दोस्तों, यहाँ पे ये जो बनाई गई है इसको मैं आपसे हटाकर शेयर करना चाह रही हूँ, तो इसके लिए पॉलीथिन पहले हटाने होंगे और इसको निकालने होंगे। ये तो ये सक्सेसफुल हो गई, मैं भी डर रही थी। अब इसको करने क्या है कि ये चूंकि सॉयल है तो इसको पानी में डाल देंगे, धीरे धीरे करके ये निकल जाएगा। दोस्तों, मैं इसमें एक दो चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये जो सॉयल अगर आपकी बलुई है, बलुई मिट्टी अगर आपकी है तो आप उसे बना सकते हो, लेकिन मैं ये कहना भूल गई थी, अगर आपकी मिट्टी चिकनी मिट्टी है तो उसमें आप 50% सॉयल में कम से कम 50% सैंड मिला लो, इसके बाद उसको बनाओ, नहीं तो ये टूटने का भी खतरा रह सकता है। तो इस तरह से ही है, अभी इसको निकालने का काम है, तो मैं इसको निकाल लूँगी, साथ ही मैं फिर जब पेंट कर लूँगी तो आपसे शेयर करूँगी। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी, फिर जब अगली वीडियो डालूँगी तो मुलाकात होगा। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।